सात दोस्त एक दूसरे से कैजुअली डिनर पर मिलने का डिसाइड करते हैं, पर वहाँ वो एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें एक दूसरे के साथ अपना सेल फोन शेयर करना था और कैसे ये गेम इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। देखते हैं 2016 की हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एक करके सारे कैरेक्टर से मिलते हैं। हमें पहला कपल मिलता है कॉसिमो और बियांका, जो कि न्यूली मैरिड कपल है। ये दूसरा कपल है कार्लोटा और लेले, जिनके बीच में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और लास्ट में एक थेरेपिस्ट और सर्जन कपल रॉको एंड एवा, जिनके बीच में थोड़ा इश्यू दिख रहा है पेरेंटिंग को लेकर उनकी 17 ईयर ओल्ड डॉटर सोफिया को लेकर। ये सबके सब एक क्लोज फ्रेंड है और ये मिले हैं ईवा और रोको के घर में, जहाँ इनका प्लान है डिनर एंजॉय करने का और साथ ही साथ में लूनर इक्लिप्स मून देखने का। ये सबके सब मिलते हैं और एक दूसरे को ग्रीटिंग्स और गिफ्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे अपने सेवेंथ फ्रेंड पेपे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड लुसिला के बारे में। वो सारे के सारे काफी एक्साइटेड थे और उनकी एक्साइटमेंट तब टूट जाती है जब पेपे अकेले ही वहाँ आता है। वो कहता है लुसिला को फीवर था इसलिए वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएगी। इसके बाद सारे के सारे लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते करते कैजुअली बात करने लगते हैं। बात करते करते ये कहते हैं कि कैसे इनका एक जानने वाला था जिसकी मैरिज उसके सेल फोन ने डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि उसकी वाइफ ने दूसरी वीमेन के मैसेज उसके फोन में देख लिए थे और वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। यहाँ पे हमें दिखता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। सारे के सारे जेंट्स कहते हैं कि इसमें उसकी वाइफ की गलती है क्योंकि उसे बिना पूछे फोन नहीं छूना चाहिए था, और सारी के सारी लेडीज कहती हैं कि इसमें आदमी की गलती है क्योंकि उसने अपनी वाइफ पर चीट करा है। डिस्कशन खत्म करती है ईवा। ईवा कहती है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर लाइव है, ये किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कार्लोटा एग्री करती है और कहती है उसका हस्बैंड लिली उसे कभी भी फोन नहीं दिखाता। लिली यहाँ पर उसे डिसएग्री करता है और अपना फोन कार्लोटा की तरफ देता है। वो कहता है उसके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। ईवा अपना फोन निकालती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वो कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें सबके सब अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखेंगे और कोई भी मैसेज कॉल उसको लाउडली सबको बताना पड़ेगा। पहले कुछ लोग मना करते हैं पर बाद में थोड़ी ना नुकुर के बाद सब मान जाते हैं और गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है थोड़ा फन के साथ, लोग एक दूसरे को प्रैंक करते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस टर्न आता है। यहाँ पर ईवा के डैड का कॉल आता है और सबको पता चलता है कि ईवा अपनी बॉडी से खुश नहीं है और वो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सर्जरी के लिए जा रही है। यहाँ पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो थेरेपिस्ट है तो उसको अपनी बॉडी से खुश रहना चाहिए, बाकी लोग कहते हैं कि अगर उसे कराना ही था तो उसे अपने हस्बैंड रोको के पास जाना चाहिए था जो खुद एक सर्जन है। रोको थोड़ा यहाँ पर चिढ़ जाता है और वो कहता है कि कैसे ईवा के डैड उसे हमेशा गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं और वो उसे एक नल्ला समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छे सर्जन के पास भेजा। ईवा इसे डिसएग्री करती है और कहती है रोको ही उसकी जॉब को नीचा देखता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक आता है। ब्रेक में हम देखते हैं पेपे और लेले को, जहाँ लेले पेपे को कहता है उसकी एक फ्रेंड रोज रात 10 बजे उसे कुछ मैसेज भेजती है कुछ हेल्प मांगने के लिए, और अगर उसकी वाइफ ने मैसेज देख लिए तो उसकी शादी टूट जाएगी। लेले पेपे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ फोन एक्सचेंज कर ले क्योंकि उन दोनों के पास सेम मॉडल का फोन है। पेपे थोड़ा ना नुकुर करता है पर बाद में लेले के इमोशनल ड्रामा के आगे हार जाता है और वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम किचन में देखते हैं कार्लोटा ईवा को कहती है रोको थेरेपी के लिए जाता है। ये सुनकर ईवा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद सारे के सारे डिनर टेबल पर बैठते हैं और गेम दोबारा से स्टार्ट होता है। लेले फोन को एक्सचेंज कर लेता है, पेपे ये सब देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहता। सारे के सारे एक दूसरे से मस्ती करने लगते हैं ताकि थोड़ा मूड लाइट हो जाए। रोको वाइन पी रहा था और वो गलती से अपने ऊपर वाइन गिरा देता है। वो शर्ट को साफ करने आता है पर ईवा भी उसके पीछे पीछे चले आती है। ईवा उससे थेरेपी के बारे में पूछती है और रोको कहता है हाँ वो पिछले 6 महीने से कोई थेरेपी ले रहा है। जब ईवा इसका कारण पूछती है तो वो कहता है वो सब कुछ ट्राई करना चाहता है उनकी शादी टूटने से पहले। ईवा ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सीन आता है डाइनिंग टेबल का। लेले के फोन में एक मैसेज आता है, सेंडर का नाम था लूसियो, मैसेज था हाउ आर यू। पेपे ये देख रहा था और वो लेले को इसका आंसर देने को कहता है, पर जब लूसियो उससे उसकी लोकेशन मांगता है तो पेपे खड़े होकर चिल्लाने लगता है। पेपे कहता है कि ये फोन उनकी प्राइवेसी को हार्म कर रहा है और कैसे उन सबको एक दूसरे से अलग कर रहा है। पेपे को ऐसे गुस्सा करते देख सबके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लेले का फोन पेपे के पास है और पेपे का लेले के पास। एट लास्ट वो पेपे को शांत करने के लिए कहते हैं वो लूसियो के मैसेज को इग्नोर मारेंगे और उसे रिप्लाई नहीं करेंगे। खैर अब कार्लोटो का फोन बजता है और उसे एक ओल्ड एज होम से मैसेज आया था जो उसे डिस्काउंट और अच्छे प्राइस पर सर्विस दे रहे थे।
ये मैसेज लेले को काफी परेशान कर देता है। वो थोड़ा चिढ़ जाता है और वो कार्लोटो से कहता है कि हाँ उसकी मॉम थोड़ी इरिटेटिंग है, पर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मॉम को एक ओल्ड एज होम में डाल दें। सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी, इसलिए सबके सब डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा ब्रेक लेंगे और मून इक्लिप्स देखने के लिए बाहर जाएंगे। वो मून इक्लिप्स इंजॉय करते हैं। मून इक्लिप्स देखने के बाद वो सारे के सारे बियांका के फोन से सेल्फी ले रहे थे कि तभी उसके फोन में उसके एक्स का मैसेज आता है। कॉस्मिकोस ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और जेलस फील करता है, पर बियांका के समझाने के बाद वो कूल डाउन करता है और समझ जाता है। इसके बाद रॉको के फोन में सोफिया का कॉल आता है। सोफिया उसे कहती है उसके बॉयफ्रेंड ने सोफिया को घर बुलाया है, जहाँ उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स घर पे नहीं है और उसे पता है कि अब क्या होने वाला है, तो वो अपने डैड की सजेशन मांगना चाहती है। रोको कहता है कि सोफिया को ही डिसाइड करना पड़ेगा वो क्या चाहती है, इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ फिर भी उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसकी डॉटर जाएगी। ईवा ये सब सुन रही थी और वो रॉको के मुंह से ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। अब वो रॉको को एक अलग ही नजर से देखने लग गई थी, क्योंकि उसे पता था रॉको एक अच्छा फादर है। लेले के फोन में लूसियो का दूसरा मैसेज आता है। लेले रिप्लाई करता है, पर यहाँ पे सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब लूसियो कॉल कर देता है। लेले कॉल पिक करता है और लूसियो चिल्लाने लगता है और रिवील करता है कि वो दोनों के दोनों रिलेशनशिप में है। यहाँ पर सबके सब लेले को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लग गए थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था ये फोन लेले का नहीं पेपे का है। लेले बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं आता। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब कार्लेटो और कॉस्मिकोस दोनों के दोनों उससे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। पेपे यहाँ पे सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, पर लेले उसे रोक देता है, क्योंकि वो कहता है इन इन सब की बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है और ये बिल्कुल नहीं समझ सकते ये सब। इसी बीच कॉस्मिकोस को एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है कि क्या उस लड़की को वो इयररिंग पसंद आए। ये सुनते ही बियांका रोने लगती है और वो काफी ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइप की इयररिंग पहनती ही नहीं थी और उसके कान भी पियर्स नहीं थे। बियांका कॉस्मिकोस को कन्फ्रंट कर रही थी कि इतने में मरिका का कॉल आया था। कॉस्मिकोस फोन लेने भागता है, पर बियांका पहले ही कॉल उठा रही है। यहाँ पर मरिका रिवील करती है वो कॉस्मिकोस के बच्चे की माँ बनने वाली है। बियांका बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से बाथरूम में चल जाती है। कॉस्मिकोस बियांका के पीछे जा रहा होता है, इतने में उसे ईवा रोकती है, अपने कान की इयररिंग निकालती है और उसे वापस करती है। उसके मुंह पर थूकती है और उसे एक थप्पड़ मारकर डिस्गस्टिंग कहती है। ईवा को रोते देख रोको उसके पीछे जाता है और उसको कंसोल करता है। ईवा कुछ भी नहीं बताती है और बस रोते रहती है। इधर कार्लोट बाथरूम से अंदर आती है और लेले को उसका फोन देती है, जिसपे बहुत ही ज्यादा एडल्ट मैसेज था। वो कहती है कि एक बार कार का एक्सीडेंट उसकी गलती की वजह से हुआ था और लेले ने अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उसको अभी तक ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। इस गिल्ट में वो आज तक लेले को कुछ भी नहीं कह पाती, वो उससे सेपरेट होना चाहती है पर हमेशा गिल्ट में रहती है। इसके बाद कार्लोट लेले को गे होने के लिए टॉन्ट मारती है और वहां से चले है। तभी पेपे खड़ा होता है और रिवील करता है कि गेब वो है, लेले नहीं। और वो सबके सबको कहता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। वो कहता है कि उसका लव्ड वन लूसिया है और वो कभी लूसिया को उन सबसे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, क्योंकि ये सबके सब बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट है। बियांका अभी भी बाथरूम में थी, सबके सब टेंशन में आ जाते हैं और जाके बाथरूम का डोर तोड़ने लगते हैं। वो जब डोर तोड़ते हैं वो देखते हैं बियांका अपने पे लिपस्टिक लगा रही है और मेकअप कर रही है। वो बाथरूम से बाहर आती है और कहती है वो कोसिमो के बेबी के बारे में अपनी मॉम को बताएगी। वो अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और टेबल पर रखकर वहां से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे फ्रेंड्स एक एक करके लीव करने लगते हैं। मून भी पूरा आ चुका था और वो फुल इक्लिप्स देखते हैं। सबके सब गले मिलते हैं और वहां से जाने लगते हैं, ऐसे बिहेव करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं थे। पार्टी खत्म होने के बाद हम रॉको और ईवा को उनके बेडरूम में देखते हैं। वो दोनों कैजुअली बात कर रहे थे और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि फोन गेम कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि रॉको ने किसी को खेलने ही नहीं दिया। रॉको कहता है ये फोन काफी ज्यादा सीक्रेट होल्ड करते हैं और वो हम सब की शादी तोड़ सकते थे। ईवा इस पे रॉको को टॉन्ट मारती है और कहती है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। रॉको ईवा को अपना फोन देता है और कहता है उसके पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। वो ईवा को गुड नाइट कहता है और उसको उसके इयररिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे के सारे दोस्त अभी भी नॉर्मल हैं और उन्होंने अपने झूठ को अभी भी छुपा के रखा है, अपनी शादी को भी टूटने से बचा लिया है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए।